उत्तर प्रदेश रायबरेली के गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर में शुरू होने वाली खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सरस्वती वंदना के साथ शुरू हुआ। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक समारोह की मनमोहक प्रस्तुति में उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथियों ने बताया कि छात्र किस तरह से खेल के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं, इसके साथ ही देश और दुनिया में अपना नाम कर सकते हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा, केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर खेलो इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है। विद्यालय प्रतिभागी सभी छात्र छात्राओं को आज से शुरू होने वाली खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आशीर्वाद व बधाई दी। सर, आज क्या था? आज गोपाल विद्या मंदिर में विद्या भारती पूरी उत्तर प्रदेश, जिसमें उत्तर प्रदेश के 49 जिले आते हैं, उनके खिलाड़ी भैया बहनों का 34वां खेलकूद समारोह है। इसमें वॉलीबॉल है, हॉकी है, इस प्रकार की 3-4 खेलों का आयोजन यहाँ हो रहा है। इस यहाँ खेलकूद के बाद में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो टीम सेलेक्ट होगी वो खेलने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर जाएगी, और जो बच्चे अखिल भारतीय स्तर पर जीतते हैं उसके बाद वो SGIF में जाती हैं। हमको स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विद्या भारती को इकाई के रूप में मान्यता है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।